गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईटी पीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित। टुडेज माय टॉपिक इज़ बाइनोमियल थ्योरम, एक्सरसाइज नंबर 8.2, लेक्चर नंबर 3। बच्चों, इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 8.2 पे फर्स्ट और सेकंड रिलीज़ किए थे, जिसमें मैंने आपको मेरिट टर्म, कोफिशियंट, जनरल टर्म एंड इंडिपेंडेंट टर्म आपको पढ़ाया था। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं इसके लॉन्ग प्रॉब्लम यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, एग्जांपल हैं, वो डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो बच्चों इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो एग्जांपल नंबर 8 है बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल 8.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 8 बच्चों, NCERT 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है, उस पर एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है द सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन आर 240 720 एंड 1080, ठीक है बच्चों, रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड एक्स ए एंड एन। बच्चों, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से बच्चों इसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन बट ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले इसने कहा है कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन। तो बच्चों, जब हम इस पे एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन करेंगे, तो इसमें सेकेंड टर्म, पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे, TR प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। बच्चों, ध्यान से क्लियर समझिएगा, इज अ जनरल फॉर्मूला इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, 1 + 1 इज अ सेकेंड टर्म, एन सी वन एक्स एन माइनस वन ए, और इज अ वैल्यू, सेकेंड टर्म इज 240। तो बच्चों, यहाँ इक्वेशन बन गई एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए इक्वल टू 240, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से थर्ड टर्म गिवेन है बच्चों, टी टू प्लस वन एन सी टू हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू, हियर इज बच्चों 2 + 1 यानी ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है, 720 है, 720 यानी एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एंड फोर्थ टर्म गिवेन है टी थ्री प्लस वन, बच्चों ये हो जाएगा एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर 3। तो यहाँ पर ये गिवेन है 1080 एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों, हमें यहाँ पर 3 इक्वेशंस मालूम हो गई हैं, यू हैव ऑल 3 इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड वेरिएबल एक्स ए एंड एन। तो बच्चों, ये हमारे पास 3 वेरिएबल इसमें फाइंड करने हैं, एक्स और ए एंड एन। तो बच्चों, ये इजी है, क्योंकि पहले हम इनके कोफिशिएंट पे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो देखिए, जब 2 पे डिवाइड करेंगे 1 पे, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये वैल्यू है एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए। अब बच्चों, ये वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 720 अपॉन 240। देखिए, एक ए कैंसिल हो गया। अब एन सी टू की वैल्यू होती है, यू नो, एन एन माइनस वन अपॉन टू, और एन सी वन की वैल्यू होती है बच्चों एन अपॉन फैक्टोरियल 1। यहाँ पर वैल्यू और क्या बचेगी, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए बचेगा, एक्स की पावर एन कैंसिल, एक्स निगेटिव बचेगा बच्चों, जो निगेटिव होके डिवाइड होके एक्स डिनोमेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, एन माइनस वन, ठीक है,
अपॉन टू, टू को आप इधर सिक्स कर दे, शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा a अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर फोर नाम दे देते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर फोर, सेम हियर, अभी मैंने टू पे वन का डिवाइड किया था, अब थ्री पे टू का डिवाइड कर देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर थ्री पे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू का। तो बच्चों यहाँ पर थ्री है, एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ठीक है, देखिए ना, एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ए की पावर थ्री, ए की पावर थ्री अपॉन, यहाँ पर कितना आएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन पे है एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू। बच्चों यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1080 अपॉन 720, यानी 1080 अपॉन 720। फिर इसी तरीके से हम इसे कैंसिल कर देते हैं बच्चों, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर n माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, एन सी थ्री की वैल्यू होती है बच्चों n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और एन सी टू की वैल्यू होती है n n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। और बच्चों इसे जब हम कैंसिल करेंगे साथ में, तो यहाँ a बचेगा और x बचेगा, देखिए यहाँ पर निगेटिव x बचेगा जो डिनोमेटर में शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव, a न्यूमरेटर में बचेगा, इसे कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा थ्री, यानी थ्री बाई टू। बच्चों एन एन माइनस वन भी कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो एन माइनस टू, ये टू है जो शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर पे, और ये वैल्यू जो सिक्स है, फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू सिक्स होती है बच्चों, ठीक है, ए अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा एन माइनस टू, टू से इसे कैंसिल करिए थ्री, तो ये वैल्यू बचेगी n माइनस टू ए अपॉन एक्स नाइन अपॉन टू। इक्वेशन नंबर फाइव, बच्चों अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फाइव में फोर का डिवाइड कर देते हैं, फाइव में फोर का डिवाइड कर देते हैं, तो a और x का रिलेशन फाइंड हो जाएगा बच्चों, देखिए ना, a और x कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी a और x कैंसिल हो जाएंगे, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सॉरी a बाई एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा अगर हम 5 में 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 5 में 4 का डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट टाइम इस पे देखिए क्या बनने वाला है, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पर जब देखिए 5 डिवाइडेड बाई करेंगे तो n माइनस टू ए अपॉन एक्स अपॉन एन माइनस वन ए बाई एक्स इक्वल टू नाइन बाई टू अपॉन सिक्स, ए बाई एक्स कैंसिल, n बाई टू एन माइनस वन एन माइनस टू, और यहाँ पर हो जाएगा थ्री से थ्री, थ्री से टू, यानी थ्री बाई फोर। बच्चों फोर एन माइनस एट इक्वल टू थ्री एन माइनस थ्री, एन की वैल्यू आ गई फाइव, बच्चों एन का आंसर आ गया फाइव, वी हैव एन इक्वल टू फाइव। अब बच्चों अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन नंबर फोर, है ना, इक्वेशन नंबर फोर पे पुट कर देते हैं, तो एन माइनस वन ए अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स है, फाइव पुट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा फोर, देखिए ना, फाइव माइनस वन ए अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, ए अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स बाई फोर, यानी रेशियो आ गया थ्री बाई टू का, ए रेशियो एक्स कितना फाइंड हो गया बच्चों, थ्री रेशियो टू। क्लियर बच्चों, तो ये है एग्जाम्पल नंबर एट, जो बच्चों लॉन्ग कैलकुलेशन होने की वजह से, लॉन्ग कैलकुलेशन होने की वजह से बच्चे स्किप करते हैं क्वेश्चन को, बट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर देखिए इस क्वेश्चन को करना है आपको तो इजी मेथड ये है कि आप पहले थ्री इक्वेशन जनरेट करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर थ्री को टू से डिवाइड कर दें या टू को वन से डिवाइड कर दें, पहले इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर वन, देन इक्वेशन नंबर थ्री डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टू, एंड जनरेट इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव, एंड आल्सो डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फाइव डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फोर, देन वैल्यू फाइंड एन एंड देन ए बाय एक्स, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर नाइन,
बच्चों एग्जाम्पल नाइन पर, एग्जाम्पल नाइन पे क्वेश्चन गिवेन है, लिखा बच्चों द कोफिशियंट ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस ए की पावर एन आर इन द रेशियो 1:7:42, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बच्चों कोफिशियंट ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+a की पावर n, एग्जाम्पल 9। बच्चों कोफिशियंट ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+a की पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42, देन फाइंड n। ठीक है बच्चों, यही सेम क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 भी है बच्चों, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8.2 का जो है वो 10 भी है। यहाँ लिखा है 1:3:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r, उसमें n और r की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है तो बच्चों हमें दिया गया है थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म, ठीक है, कौन सा थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म। तो अगर हम थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म अगर लेट करते हैं तो r माइनस वन वन टर्म या r टर्म, r प्लस वन और r प्लस टू टी एस टर्म लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चों थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म, अगर हम थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म लेते हैं तो rth ले लेते हैं, r प्लस वनth और r प्लस टू टी एस टर्म, थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म, कोई भी थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म। या तो कुछ बच्चे देखिए बुक में दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि r माइनस वनth कॉमा rth कॉमा r प्लस वनth टर्म उसने लेट किए हुए हैं, सपोज थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म। ठीक है आगे समझ में, देखिए मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ थ्री कॉन्जुगेटिव, लेट थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स। ठीक है हम भी आपकी तरह एनसीईआरटी की तरीके से लेट कर लेते हैं, आर माइनस वनथ कॉमा आर एथ कॉमा आर प्लस वनथ टर्म। ठीक है ये थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, हमने सेम एनसीईआरटी का प्रोसेस ही लेट कर लिया, वरना मैं लेट करता आर एथ आर प्लस वनथ आर प्लस टू टी एस टर्म। बच्चों मैंने एनसीईआरटी को चेंज नहीं किया, बट प्रोसेस सोल्यूशन चेंज करूंगा। देखिए सबसे पहले उसने बोला आर माइनस वनथ टर्म, तो देखिए समझिएगा, देखिए जनरल टर्म क्या होता है, 1+a की पावर n का एक्सपेंशन है, और जनरल टर्म हमने फॉर्मूला पढ़ाया था टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। तो यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज होगी, एन सी आर एक्स की जगह 1 एन माइनस आर ए की जगह पर a है, a की पावर r। तो कोफिशियंट ऑफ r माइनस वनथ टर्म, तो बच्चों ये तो r प्लस वनथ टर्म है, ये कौन सा टर्म है, r प्लस वनथ टर्म है। ठीक है हमें निकालना है r माइनस वनथ, तो बच्चों यहाँ पर r माइनस वनथ को हम क्या लिखेंगे, r माइनस वनथ, r माइनस वनथ टर्म। तो बच्चों देखिए r माइनस वनथ यहाँ पर लिखा जाएगा r माइनस टू प्लस वन, देखिए जब r माइनस वनथ टर्म पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देखिए ऐड करिए r माइनस टू प्लस वन, अगर आप पूरा ऐड करेंगे कंप्लीट तो ये बनेगा r माइनस वन, देखिए r प्लस वनथ सेम है, r प्लस वनथ r प्लस वनथ, तो r माइनस वनथ, यहाँ देखिए r माइनस टू प्लस वन। तो बच्चों यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, n माइनस r माइनस टू और a की पावर n माइनस टू। तो बच्चों इसका कोफिशियंट क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ r माइनस वनथ टर्म। ठीक है देखिए ये r की वैल्यू हो गई r माइनस टू,
तो यहाँ पर बनेगा ये एन सी आर माइनस टू। सेम बच्चों इसी तरीके से लिखा जाएगा कि कोफिशियंट ऑफ आर रथ टर्म, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा एन सी आर माइनस वन, ठीक है, एंड देन कोफिशियंट ऑफ आर प्लस वनथ टर्म, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों एन सी आर, क्लियर, एन सी आर माइनस टू हो गया, एन सी आर माइनस वन हो गया और एन सी आर, ठीक है। अब इनका रेशियो गिवेन है बच्चों, तो देखिए क्या गिवेन है इस पे रेशियो, देखिए गिवेन है हमारे पास रेशियो एन सी आर माइनस टू रेशियो ऑफ एन सी आर माइनस वन रेशियो ऑफ एन सी आर, ठीक है, इक्वल टू वन रेशियो सेवन रेशियो फोर्टी टू। बच्चों आप इसे आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अब मेन पार्ट है आपको समझने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे करना होता है, सबसे पहले देखें कि एन सी आर माइनस टू एन सी आर इनकी इक्वेशन को ब्रेक करते हैं, तो देखिए क्या क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर एन सी आर माइनस टू, तो रेशियो अगर हम फाइंड करें तो देखिए एक रेशियो लेना होगा बच्चों, इस टाइप से आपको लेना होगा एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर माइनस टू इक्वल टू सेवन रेशियो वन बन गया बच्चों एक, क्लियर, देखिए ना, यानी कि मिडिल टर्म को हमने लिया है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए लिया है और अगला लेने वाला हूँ सी अपॉन बी, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिया नेक्स्ट एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू फोर्टी टू बाई सेवन। बच्चों समझ में आया, मैंने यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी के हिसाब से मैंने लिया है, यहाँ पे पहले बी अपॉन ए लिया है और फिर यहाँ सी अपॉन बी लिया हुआ है, क्लियर बच्चों, ठीक है। मैंने इस तरीके से एन सी आर टी में ऐसा डिवाइड है बट सेम है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन वन रेशियो सेवन लिया हुआ है, मैंने उसका रिवर्स लिया है बिकॉज मैं जिस मेथड से बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्टली होगा। देखिए एन सी आर टी में मैंने खुद आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे एक थ्योरम पढ़ाई थी बिकॉज एन सी आर माइनस वन इक्वल टू होता है बच्चों एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर और ये कैंसिल हो गया सेवन से सिक्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आपने ये आइडेंटिटी आपने पीएनसी में मैंने पढ़ाई हुई है कॉम्बिनेशन टॉपिक पे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और लिखना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी में, देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा बिकॉज, देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा बिकॉज एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी तभी आप इसे लिख सकते हैं और ये प्रूफ होता है बच्चों। अगर हम इसका फैक्टोरियल फार्मूला ओपन कर दें एन सी आर और एन सी आर माइनस वन का तो रिलेशन ये मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना सिंपल हो गया, सेवन से सिक्स कैंसिल हो गया और यह वैल्यू आ जाएगी एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू सिक्स आर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर एन माइनस सेवन आर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर हुआ, आ गया समझ में। देखिए बच्चों ठीक है ये क्वेश्चन नंबर बन गई टू। अब इसी तरीके से सेम बच्चों अगर ये फॉर्मूला अगर हम यहीं पे अप्लाई कर दें तो देखिए क्या फ़र्क है दोनों पे, इस फॉर्मूले पे ये फ़र्क है, देखिए यहाँ पर यहाँ फ़र्क है एन सी आर या एन सी आर माइनस वन, तो आर इज रिप्लेस बाई आर माइनस वन। बच्चों देखिए ना यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है आर या आर माइनस वन, तो यहाँ पे आर की जगह पर आर माइनस वन से रिप्लेस कर दूं बच्चों, देखिए ना आर माइनस वन से क्या कर दूं इसे रिप्लेस, तो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे एन माइनस आर माइनस वन प्लस वन, देखिए एन माइनस आर प्लस वन, तो आर की जगह मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ आर माइनस वन, सेम ईयर आर माइनस वन इक्वल टू सेवन, तो ये वैल्यू बन जाएगी एन माइनस आर प्लस टू इक्वल टू सेवन आर माइनस सेवन, देन वैल्यू हो जाएगी एन माइनस एट आर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। बच्चों इक्वेशन नंबर वन और टू को आप सॉल्व कर देंगे तो एन और आर की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर बच्चों। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा
एन माइनस एट आर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, एन माइनस सेवन आर प्लस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 55। इसमें गिवेन है एन की वैल्यू 55 ऑप्शनल पे, तो यहाँ पर एन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आप इसके सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट होगी 55। ये आप कर लेंगे, होमवर्क है ये आपका, ये आप कर सकते हैं ठीक है इजली। तो बच्चों इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चों ये एग्जाम्पल 9 जो है सेम जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ लिखा है बच्चों 1:3:5, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको डिस्कस नहीं करूँगा, आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और देखिए उसमें लिखा हुआ है कि n और r निकालने फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 55 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू आप 55 पुट कर देते हैं तो इसमें से r की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, एग्जाम्पल 9 सेम है। बच्चों यहाँ पर मैंने कोफिशियंट बनाया आर माइनस वन एट टर्म, इसके बाद मैंने डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी बता दी। तो ये आइडेंटिटी है बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये मैंने पीएनसी में पढ़ाया है कॉम्बिनेशन टॉपिक पे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों अब है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, इन द कोफिशियंट ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस n, प्रूव दैट द कोफिशियंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस n, ठीक है, प्रूव दैट कोफिशियंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। ठीक है, यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या करना है, आप पहले जनरल टर्म फाइंड करेंगे फिर कोफिशियंट फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, तो टी आर प्लस वन एन की जगह पर एम प्लस एन रिप्लेस हो रहा है, सी आर एक्स की जगह वन, एम प्लस एन माइनस आर ए की जगह ए की पावर आर। तो बच्चों ये तो वैल्यू वन हो गई, तो गया एम प्लस एन सी आर ए की पावर आर टी आर प्लस वन। अब कोफिशियंट ऑफ ए की पावर एम, कोफिशियंट ऑफ ए की पावर एम, तो बच्चों आर शुड बी एम। ठीक है, देन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर एम हो जाएगी, तो यहाँ पर आर की जगह हम एम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये पुट कर देते हैं, देन पुट कर दीजिए, पुट आर इक्वल टू एम, तो कोफिशियंट आ जाएगा एम प्लस एन सी एम। अगर हम आर की जगह एम पुट कर देते हैं तो बच्चों यहाँ एम प्लस एन सी एम बन जाएगा, और कोफिशियंट ऑफ ए की पावर एन देन पुट कर दीजिए आर इक्वल टू एन, तो ये कोफिशियंट कितना हो जाएगा, कोफिशियंट हो जाएगा बच्चों एम प्लस एन सी एन। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, और ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है कि बोथ आर इक्वल। तो देखिए बच्चों बोथ आर इक्वल के लिए क्या प्रूव होगा, देखिए एम प्लस एन सी एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फैक्टोरियल एम प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल एम और फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस एम, ये वैल्यू एम से एम कैंसिल हो गई,
और जो m प्लस एन सी एन की वैल्यू आएगी, फैक्टोरियल m प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल n एंड m प्लस एन माइनस एन। देखिए ये कैंसिल हो गया, देखिए बोथ आर इक्वल, देखिए ना बोथ आर इक्वल, m प्लस एन m n m और n बोथ आर इक्वल। ठीक है, प्रूव हो गया बच्चों कि बोथ आर इक्वल है। ठीक है, क्लियर हुआ ये कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अभी आपको एग्जांपल करा दिया था, इसलिए आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैंने बताया सेम वैसे ही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखा प्रूव दैट द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर एन टू एन इज ट्वाइस ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला जा रहा है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन इज द ट्वाइस कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस वन। तो स्टूडेंट देयर आर टू क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन, टू पार्ट्स हैं क्वेश्चंस पर। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स की पावर एन कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस वन। तो दे आर टू पार्ट इन द इन दिस क्वेश्चन। और बच्चों इसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, जैसे हम कोफिशियंट फाइंड करते थे सेम वैसे हम कोफिशियंट फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कोफिशियंट देखते हैं कि इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स प्लस टू की पावर टू एन माइनस वन। तो बच्चों इसे अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करने वाले हैं इस पार्ट को, और यहाँ पर बोल रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन। तो दे आर टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। देखिए एक फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। तो बच्चों पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, एन की जगह पर बच्चों टू एन है। तो टू एन सी आर एक्स की जगह पर वन, टू एन माइनस आर ए की जगह पर एक्स है पावर आर। अब बच्चों इट शुड बी एन, आर शुड बी एन फॉर कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, फॉर कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन आर शुड बी एन। पुट कर देते हैं आर की वैल्यू एन, तो ये पुट कर देंगे एक्स की पावर एन हो जाएगा बच्चों। तो ये वैल्यू तो वन हो गई, तो कितना आ जाएगा टू एन सी एन, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों फैक्टोरियल टू एन, फैक्टोरियल टू एन माइनस एन। इसे और कैलकुलेट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, 2n को बाहर निकालें बच्चों। तो 2n बाहर निकालेंगे तो एक फैक्टोरियल में लेस हो गया, फिर हो गया यहाँ फैक्टोरियल से भी बाहर निकाल लें n, n माइनस वन एन फैक्टोरियल n, ये n से ये n कैंसिल हो गया।
ठीक है, इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों सेम इसी इक्वेशन के बाद अगर हमने x की पावर n कोफिशियंट ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n फाइंड किया है, सेम हम इस पे निकालेंगे कोफिशियंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। तो फिर अगेन जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा टी आर प्लस 1 एन की वैल्यू 2 एन सी आर है एक्स की वैल्यू 1 पावर 2 एन माइनस आर ए की जगह एक्स पावर आर। तो बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन। तो फॉर कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन पुट करना होगा हमें आर इक्वल टू एन। ठीक है, देन कोफिशियंट कितना आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 2n माइनस 1 है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे 2n माइनस 1, यहाँ पे 2n माइनस 1 माइनस r। देखिए ना इस क्वेश्चन पे 2n माइनस 1 है n की वैल्यू। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला, बट हियर 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 है। तो बच्चों कोफिशियंट ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1, और r की जगह जब हम पुट कर देंगे n, तो r की जगह जब हम n पुट कर देंगे तो 2n cn हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 2n cn, जैसे ये हो गया था। ठीक है, r इक्वल टू n, तो 2n cn हो गया था। ठीक है, इसी तरीके से 2n माइनस 1 cn हो जाएगा। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो बच्चों क्या वैल्यू आएगा, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n। तो देखिए यहाँ पर देखें बचने वाला है 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 पे देखिए, ये लिखा है ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 2n माइनस 1, ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 2n माइनस 1 n माइनस 1 n। तो देखिए वो ओनली 2n माइनस 1 है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ट्वाइस नहीं है, देखिए ना यहाँ पे टू टाइम्स है, वहाँ पे टू टाइम्स नहीं है। तो दिस इज द ट्वाइस, तो क्या प्रूव करना था, इज ट्वाइस। तो देखिए प्रूव हो गया, देखिए इसका एक्सपेंशन जो है, इस एक्सपेंशन का क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है a इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m विच द कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर जो है 1 प्लस x की पावर m में 6 है, पहले आप नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, ठीक है, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अब इसमें हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो टी आर प्लस 1 लेंगे बच्चों जनरल टर्म, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, वैल्यू पुट कर देते हैं ये एक्स और ए की। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम सी आर 1 की पावर एम माइनस आर और ए की जगह पे एक्स की पावर आर। कोफिशियंट ऑफ x की पावर 2, फॉर कोफिशियंट ऑफ x की पावर 2 पुट करना होगा आपको r इक्वल टू 2।
तो बच्चों आर की जगह टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम सी टू, क्या हो जाएगा एम सी टू, और ये सिक्स है तो बच्चों ने सिक्स की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ हो जाएगा एम सी टू इक्वल टू सिक्स। अब इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम बात करें तो इसे एक्सपेंड करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सिक्स किसकी वैल्यू होती है बच्चों, सिक्स किसकी वैल्यू होती है, थ्री सी टू की वन होती है, थ्री सी टू की वैल्यू क्या होती है, थ्री सी टू की वैल्यू थ्री होती है, थ्री सी वन की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है थ्री सी वन, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे टू चाहिए, तो हम यहाँ पर टू अगर लिख सकते हैं तो क्या मैं यहाँ पर फोर सी टी नू लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, फोर सी टू की वैल्यू क्या होती है बच्चों सिक्स होती है, देखिए फोर सी टू इज सिक्स, तो m की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों फोर, एक तो ये वाला मेथड है हमारे पास बच्चों, एक मेथड ये भी है, दूसरा मेथड क्या है हम इसका फैक्टोरियल ओपन कर दें, ठीक है m माइनस टू इक्वल टू सिक्स, m को ओपन कर देते हैं, m आप आउट कर लीजिए फिर m माइनस वन बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m माइनस टू अपॉन टू इंटू वन फैक्टोरियल m माइनस टू इक्वल टू सिक्स, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा और एम स्क्वायर माइनस एफ माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पर m की टू वैल्यूस आएंगी, एक आएगी m माइनस फोर और m प्लस थ्री, ठीक है तो m की वैल्यू फोर हो गई और m की वैल्यू माइनस थ्री हो गई, तो उसने पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, कौन सी पूछी है वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू यानी m की वैल्यू 4, ये आंसर हो जाएगा और ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि m की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, तो माइनस थ्री को आपको नेगलेक्ट करना होगा। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 इज लास्ट क्वेश्चन 8.2। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें से देख रहा हूँ कि हाँ बोर्ड आप स्कूलिंग के लिए एग्जांपल 11 जो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पड़ता बच्चों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा में, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मिसलेनियस अच्छे पे डिपेंड कर रही है, अच्छे टॉपिक पर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आरडी शर्मा के भी होते हैं जो स्कूल में बोर्ड एग्जाम पे मतलब स्कूलिंग एग्जाम पे दिए जाते हैं, फॉर द लिखा होता है कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फाइव टर्म आर इन एपी, तो एपी की कंडीशन क्या होती थी क्लास टेंथ में, ट्वाइस ऑफ ए टू इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री, तो उस कंडीशन से हमें कुछ क्वेश्चन उस पर भी हैं जो आरडी शर्मा या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊँगा और मिसलेनियस भी पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप 8.2 का प्रैक्टिस कर लीजिए और मिसलेनियस के लिए हम